हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम नूतन स्वर TMK है। और आज मैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू गेट मोर वीडियो ऑफ माय चैनल। प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबा लें। ये बिल्कुल फ्री होती है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, क्रिस्पी और कम समय में बनने वाली है, और जिसे आप बच्चे के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। इसे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और सुबह शाम के नाश्ते में भी आप इसे ले सकते हैं। ये इसका नाम ब्रेड रोल है और ब्रेड से बनने वाली ये रेसिपी। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो पहले एक पैन को गर्म करेंगे और उसमें 2 चम्मच मैंने यहाँ तेल लिया है। कोई भी तेल, आप रिफाइंड तेल या सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, आप जो भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैंने जीरा लिया है 1 चम्मच, और 1-2 मैंने यहाँ पे मिर्च, हरी मिर्च लिया है। फिर करी पत्ता मैंने लिया है, और 1 प्याज मैंने बारीक कट कर लिया है, उसे भी मैंने यहाँ पे लेके अच्छे से इसे भी चला लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैंने 1 टमाटर को भी अच्छे से चॉप कर लिया है और उसे भी लेके अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। और ये लहसुन मैंने 4-5 कर लिया यहाँ पर लिया है, उसे मैं कद्दूकस से उसे मैं ग्रेट कर दे रही हूँ इस तरह से। और इस तरह से हमें लहसुन को भी लेना है, ये देखिए, और इसे भी लेके अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं यहाँ पे 2 उबले हुए आलू को ले रही हूँ और उसे अच्छे से मैश कर लिया है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मैंने उसमें जितना डाला है प्याज और टमाटर, उसमें सारे को मिक्स कर लेना है, उबला हुआ आलू को भी। और अब मैं यहाँ पे नमक ले रही हूँ स्वाद अनुसार, मैंने 1/2 चम्मच यहाँ यूज़ किया है। और धनिया पाउडर, जो भी सब्जी मसाला है वो लेना है। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चाट मसाला लिया है। और सभी को लेके अच्छे से 2 मिनट तक हमें पकाना है। और अब ये रेडी है स्टफिंग, तो अब मैं इसे दूसरे प्लेट में निकाल ले रही हूँ। इस तरह से मैंने इसे दूसरे प्लेट में निकाल लिया है। और अब चलिए, मैंने यहाँ पे ब्रेड लिया हुआ है और ब्रेड मैंने यहाँ 4-5 लिया है, और इसके साइड के पीसेस को अलग कर लेना है। आप चाहें तो रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे हटा ले रही हूँ साइड के पीसेस को। और एक बाउल में पानी लेके हल्का सा उस पर डिप करना है, ज़्यादा भिंगाना नहीं है ब्रेड को, हल्का डिप करके उसके पूरे पानी को हटा लेना है प्रेस करके। अपनी हथेली से आप उसे प्रेस करके उसके सारे पानी को हटा लेना है। और अब मैं उसमें स्टफिंग भर रही हूँ, तो जो स्टफिंग मैंने अभी रेडी किया था वो स्टफिंग को मैं इसमें बीच में रख रही हूँ, और उसे दोनों तरफ से साइड के कॉर्नर से, ऊपर नीचे के साइड के कॉर्नर से उसे बस प्रेस करना है, और उसे बस उसे घुमाते हुए बंद करना है आपको। ये आराम से बंद हो जाएगी, ये आराम से ये उसके अंदर स्टफिंग भरा जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। बस उसे उसका पानी आपको निकाल लेना है, नहीं तो वो फटने लग जाएगी। इसलिए पूरी तरह से प्रेस करके हाथ से पहले पानी निकाल लेना है, और हल्का पानी देना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा देंगे तो फिर स्टफिंग अंदर भराएगी नहीं। ये इस तरह से देखिए, दोनों तरफ से नीचे ऊपर से सब जगह से बंद करके बस उसे अपने इस तरह से हथेली से उसे बंद करते हुए जाना है, और उसे एक अंडाकार शेप देना है। ये देखिए, ये मैंने करके सारे बना लिया। और अब मैं यहाँ पे कढ़ाई में तेल फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ रखा है, और उसे मैं गरम करके उसमें मैं डाल रही हूँ। आपको बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि तेल ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, ये मीडियम फ्लेम में होनी चाहिए। अगर तेल ज़्यादा गर्म होगी तो ये सिर्फ जलेगी, और अगर ज़्यादा ठंडी रहेगी तो सिर्फ ये आपका तेल को अब्सॉर्ब कर लेगी, तो हमें मीडियम फ्लेम में रखना है इसे। अब ये रेडी है पूरी तरह से, अब ये मैं सर्व कर रही हूँ प्लेट में। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है और इतनी स्वादिष्ट है ये। मैंने इसे घर में
सबको दिया, सभी को पसंद आया है ये रेसिपी। तो आप भी इसे जो ट्राई कीजिए, मुझे विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और शाम के नाश्ते में बहुत आपको आपके घर में पसंद किया जाएगा। तो प्लीज़ एक बार जो ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।